दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे किचन में एक बहुत ही काम की चीज रहती है जिसके बिना हम खाना नहीं बना सकते, और पकोड़े खाने में तो बहुत ही मजा आता होगा आप लोगों को। तो आज मैं आपको ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे आप घर में पकोड़े बनाते हैं, वो है सरसों का तेल। तो सरसों का तेल कहाँ से निकलता है, कैसे बनता है, ये देखिए, ये है हमारी सरसों, और इसको हमने काट दिया है और अब ये बिल्कुल सूख गई है। सूखने के बाद में इसको मशीन से निकाला जाता है। देखिए ये दाना देख रहे हो आप, ये सरसों का दाना है, ये देखिए, ये फली होती है, फली, उसमें सरसों का दाना निकलता है, ये देखिए, ये रहा दाना। अब इसको मशीन से निकाला जाता है, देखिए कैसे निकाला। ये देखिए किस तरह से मशीन में जा रहा है, और यहाँ पे छनने के बाद बाहर निकलता है। जो इसका कचरा होता है वो दूसरी साइड से निकलता रहता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये ट्रैक्टर से चल रही है मशीन, इधर से इसका भूसा निकलता रहता है। देखा दोस्तों आपने, इससे भूसा निकल रहा है, और इस भूसे को ईंटों का भट्टा जो होता है उससे ईंट गर्म होती है, ईंट बनाई जाती है, इससे गर्म की जाती है। तो ये है हमारे चैनल का यूट्यूब देसी दिल, और देसी है तो देसी जैसे काम दिखाने पड़ेंगे करके। तो ये आज हमारा काम यहाँ पे हो रहा था, तो मैंने आपको दिखा दिया दोस्तों कैसे सरसों निकलती है मशीन से, तो आपने देखा। तो दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।